झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में, क्या समाप्त हो जाएगी उनकी सदस्यता? जानिए सीएम हेमंत सोरेन पर क्या है आरोप। अगर हेमंत सोरेन अयोग्य हो जाते हैं तो क्या होगा झारखंड की राजनीति का भविष्य? अगर आपके मन में भी यह सभी सवाल हैं और आगे झारखंड में क्या होगा यह जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और इस खबर को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनित आवाज। लगता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में भी कोई खेला कर पाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप भाजपा पर लगा है, तो वहीं झारखंड में भी बीजेपी ने नया पैंतरा आजमाया है। जी हाँ, भाजपा लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है, ताकि कुछ जोड़ तोड़ करके कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसा कोई नया कारनामा कर सकें। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे? झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों को यह स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है, तैयार है हम, जय झारखंड। ये तो लगभग साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाना तय है। राज्यपाल रमेश बैस ने अगर हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित कर दिया तो यह स्थिति एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि क्या कर्नाटक में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी। इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हेमंत सोरेन पर क्या आरोप लगे हैं और उनकी कुर्सी को खतरा क्यों है। दरअसल हेमंत सोरेन के ऊपर सीएम होते हुए पत्थर खदान का पट्टा आवंटन करने का मामला चल रहा है। विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ही अपने नाम खदान आवंटन की है, जिससे उन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, इसलिए हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। राज्यपाल की सिफारिश पर इसी आरोप की जांच चुनाव आयोग कर रहा था और अब आयोग ने पूरे मामले पर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है तो उनकी कुर्सी जा सकती है। अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। संविधान के अनुच्छेद 102 भाग 1 ए और 191 भाग 1 के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता जहां उसे वेतन भत्ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी दूसरी तरह के फायदे मिलते हों। भाजपा की ओर से बड़ी अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग के समक्ष कहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ खान मंत्री रहते हुए खुद अपने नाम रांची में पत्थर खनन लीज आवंटित कराया था। तो साथियों, ये तो हो गया वो पूरा मामला जो हेमंत सोरेन पर आरोप लगे हैं, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि अब तक इस कानून से कौन कौन से नेताओं को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग ने साल 2018 में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद मामले में अयोग्य घोषित किया था। साल 2006 में यूपीए बन में सोनिया गांधी के खिलाफ भी लाभ के पद का मामला सामने आया था। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी और वह यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद करा दिया गया था। इसकी वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था। इसी तरह जया बच्चन राज्यसभा सांसद थी और उसी समय वह उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन भी रही थी, जिसे लाभ का पद मानते हुए और उसके बाद चुनाव आयोग ने जया बच्चन को भी अयोग्य ठहराया था। जया बच्चन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद जया बच्चन की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। तो साथियों, ये थे इस खबर से जुड़े हुए अहम पहलू। अब बात करते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। अगर हेमंत सोरेन विधानसभा में अयोग्य घोषित हो गए तो आगे झारखंड की राजनीति का भविष्य क्या होगा? क्या बीजेपी जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लेगी? तो साथियों, आपको बता दें, इस समय 81 सदस्यीय राज्यसभा विधानसभा में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्त मोर्चा के पास 30, भाजपा के पास 25, कांग्रेस के पास 16 और आजसू के पास 2 सीटें हैं। इस हिसाब से भले ही झारखंड मुक्त मोर्चा के पास मजबूत बहुमत है,
और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बदु तिर्की ने कहा है कि हेमंत सोरेन अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं और वह अपनी पत्नी या किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो महागठबंधन उनके साथ है, उनके निर्णय के साथ है, कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया उस हिसाब से तो लगता है कि गठबंधन काफी मजबूती में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी को कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से राजनीति का नंगा नाच करती है वो किसी से छिपा नहीं है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई, महाराष्ट्र में भी खूब हाई वोल्टेज ड्रामा किया और कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और अब झारखंड में बीजेपी खरीद फरोख्त नहीं कर पाए, ये भी असंभव नहीं है। फिलहाल इस खबर के तमाम पहलुओं को समझकर स्पष्ट है कि अगर झारखंड के सीएम अयोग्य घोषित होते हैं और उनका गठबंधन टूटा नहीं तो वे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और अगर गठबंधन टूट गया तो फिर क्या होगा आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना सुझाव हमें जरूर बताएं। नमस्कार।